सुप्रभात बच्चों, हमारा लास्ट चैप्टर बचा है टापू की खोज। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 17 टापू की खोज। ठीक है, देखो पेज नंबर है हमारा 110। 110 मनुष्य की प्रवृत्ति होती है नित्य नई जानकारियां प्राप्त करने की। वह अपनी दुनिया से इतर की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने आस पड़ोस में बसे दो टापुओं के लोगों के बीच संबंध कैसे कायम हुआ इसे जाने। भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र से घिरे कई द्वीप समूह हैं, जिनमें से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है कार निकोबार द्वीप। एक बार इस द्वीप के कुछ निवासियों के मन में यह विचार आया कि अन्य द्वीप की खोज करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, संभव है कुछ और लोग कहीं बसते हों। अगर यह सच हुआ तो हम कुछ और लोगों को जान सकेंगे। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों का पता लगाने और उनके बारे में जानने का रहा है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। इस योजना में तय हो जाने के बाद पहली और गंभीर समस्या यात्रा की थी। समुद्र में यात्रा कैसे की जाए? तब तक इन द्वीपवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना है, तब उन्होंने यात्रा से जुड़े अन्य पहलुओं पर सोचना आरंभ किया। कई दिमाग सक्रिय हो उठे। कार निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ ना कुछ करना है, इसलिए तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों के ध्यान में आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती रहती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़ा, उसे छीलना आरंभ किया, उसे तरह तरह से काटा और उसका आकार छोटा किया और उसकी गोलाई कम की, फिर उसे पानी में तैराकर देखना शुरू किया। उससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई। प्रयोग करते करते आखिर कार निकोबारियों ने एक छोटी सी नाव बना ली। उन्होंने नाव को नाम दिया केनो। उन्होंने समुद्र में उसे तैराकर देखा। जब वह समुद्र में नहीं डूबी तो वे खूब प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद कार निकोबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। आगे की योजना कुछ इस तरह से बनी कि केनों में कुछ फल भरकर उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। उन्हें विश्वास था कि तैरते हुए या किसी किनारे पर अवश्य लगेगी। इस विश्वास के पीछे भी एक कारण था। उन्होंने कई ऐसी चीजों को अपने समुद्री तट पर पहुंचते देखा था जो उनके लिए अनजान थी। उन्हें उम्मीद थी कि केनों किसी न किसी द्वीप के तट पर जरूर पहुंचेगी। यह उस द्वीप पर मानव जाति हुई यदि उस द्वीप पर मानव जाति हुई तो केनों में रखी चीजों को देखकर उन्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि यह नाव कहीं से भेजी गई है। यद्यपि कई कार निकोबारी इस योजना के प्रति सशंकित थे, मतलब उनको डाउट था, किंतु एक कोशिश करने में उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं हुई। इस प्रकार केनों को उपहारों से भरकर समुद्र में छोड़ दिया गया। समुद्र में कई दिनों तक लहरों से जूझती हुई केनों निकट के एक द्वीप चावरा के तट पर जा लगी। चावरा द्वीप के निवासियों ने इस अद्भुत चीज को तैरते देखा और देखते देखते यह खबर द्वीप पर दावानल की तरह फैल गई। दावानल क्या होता है बच्चों? जंगल में फैली आग। जंगल में फैली आग को दावानल कहते हैं। ठीक है, फिर क्या था? चावरा के निवासी इसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। चावरा द्वीप के बुजुर्ग सचमुच उस नतीजे पर पहुंचे जिसकी कल्पना कार निकोबारियों ने की थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आसपास ही कहीं कोई द्वीप है जहां से यह अद्भुत वस्तु आई है। उन बुजुर्गों ने नाव पर से फलों को उतरवाया और परीक्षण के रूप में स्वयं चखकर देखा। जब इस ओर से पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वे हानिकारक नहीं है, तब उन फलों को सब में वितरित करवा दिया गया। वितरित करवा दिया गया मतलब बांट दिया गया। अब चावरा के निवासियों ने भी उतनी ही उत्सुकता पैदा हुई
वे भी उन अनाम लोगों के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने नाव का निर्माण कर सामग्री भेजी थी। चावरा वासियों के बीच यह तय हुआ कि सबसे पहले नाव को देखकर उसे बनाने की कला समझी जाए, सो उन्होंने उसे उलट पुलट कर और पानी में तैराकर देखा। तरकीब उनकी समझ में आ गई। तब उन्होंने केनों में मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रख दिए। इसके अतिरिक्त नारियल से बना व्यंजन बनोई लोई भी बांधकर रख दिया। फिर नाव को उसी दिशा में रवाना कर दिया जिधर से आकर वह उनके तट पर लगी थी। लगभग 15 दिन बाद केनो किसी तरह पुनः कार निकोबार के तट पर आ लगी। जैसे ही कार निकोबारियों की उस पर नजर पड़ी वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने नाव पर से सामान उतारा। कार निकोबार के लोग बर्तनों तथा उनके आकार प्रकार को देखकर विस्मित थे, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या चीज है। उन्होंने बर्तनों को लेकर तरह-तरह के प्रयोग किए, किसी में पानी भरकर देखा, किसी में फल रखकर जांचा, इसी बीच किसी ने उन्हें आग पर रखकर भी देख लिया। जब बर्तन ना टूटे और ना चिपके तब उन्हें बर्तन का उपयोग और महत्व समझ में आया। केनो के लौट आने पर उनकी यह धारणा विश्वास में बदल गई कि आसपास कोई द्वीप है जहां उनके जैसे ही मनुष्य रहते हैं। फिर क्या था, कार निकोबारियों ने तय किया कि अब उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। वे अब एक बड़ी नाव बनाने में जुट गए। नाव बच जाने पर उसका संतुलन और उसकी भार वहन क्षमता मतलब कितना वो वेट उठा सकती है, को जांचना शुरू किया। उसमें बैठकर उसे गति से चलाने का प्रयास किया। जब गति पाने में सफलता नहीं मिली तब हाथ में लकड़ियां लेकर खेने का प्रयास किया, मतलब कि उसको चप्पू की तरह चलाने की कोशिश की। गति का कुछ आभास हुआ तो लकड़ियों को काटकर चप्पू की तरह के आकार में बदल दिया गया। अब पूरी नाव तैयार थी। बस फिर क्या था, नाव में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ फल आदि रखे। फिर नाव पर सवार होकर 8-10 लोग अनजान द्वीप की यात्रा पर निकल पड़े। उनके मन में हर पल भय, कौतूहल और आनंद की तरंगे हिलोरे ले रही थी, साथ ही उनमें आत्मविश्वास से शरीर में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। वे सामान्य गति से कहीं अधिक गति से मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा पर निकले कई दिन हो चुके थे, अभी और कितनी यात्रा शेष है किसी को कोई अनुमान नहीं था, इसलिए उन्होंने नाव को कुछ धीमी गति से खेने का निश्चय किया। उन्हें भय था कहीं मझधार में ही नाव खेने की क्षमता और शक्ति समाप्त न हो जाए। अचानक उन्हें एक द्वीप दिखाई देने लगा, वे खुशी से उसे उछल पड़े। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ नाव को खेना शुरू कर दिया और अंततः चावरा के तट पर नाव जा लगी। चावरावासी दौड़कर उनकी ओर आए और खुशी से तालियां बजाकर नाचते हुए उनका स्वागत करने लगे। कार निकोबारी उन्हें देखकर क्षण भर को हैरान हुए, पर उसके बाद तो जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पाया कि चावरा के लोगों का रंग रूप और आचार व्यवहार ठीक उन्हीं की तरह है। भाषा में थोड़ा परिवर्तन जरूर लगा, फिर भी वे बेहद आनंदित हुए। कुछ दिन चावरा द्वीप में ही बिताने के बाद कार निकोबारियों ने वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। चावरा वासियों ने उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े 10 बर्तन उपहार में देकर विदा किया। उस दिन से आज तक दोनों द्वीपवासियों के बीच आत्मीय संबंध बने हुए हैं, मतलब कि दोनों आपस में प्यार से रहते हैं, आज भी उनमें प्यार देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये है जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, लिखा था लीलाधर मंडलोई में। ठीक है, और इसका जीवन परिचय और इसके शब्द नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।